So I don't know what it is. I guess we should form up a team. Like, this way we can find. वैसे मैं तो इस मार्केट में हमेशा आया करती हूँ। सैम कहाँ चला गया? सैम कहाँ है? सैम 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 वाट लग गई यार, वो जिंदा हुआ क्या? हे सैम, अबे ए चिकनी, बहुत जरूरी काम है, तू हट हट। क्या हुआ? सारा ने कुछ नहीं किया, सब कुछ शिवा ने किया है, अपने विकी को उसी ने मारा है। शांत हो जा, शिवा मर चुका है। अरे नहीं 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 नहीं, यहीं पर तो तू गलत ही कर रहा है, मैंने खुद उसे देखा है। मामे तुझे तो मुझ पर यकीन है ना, मेरे खबरी ने मुझे फोन किया, बोल रहा था कि सारा मिल गई, और जब मैं सारा के लिए गया तो पता है क्या हुआ? सारे आदमियों को मार दिया था उसने, और तू जानता है मामे, जैसे ही मैंने उसकी परछाई देखी तेरे पास भाग क्या है, अब तीनों की वाट लगेगी। लगा जैसे कोई इंग्लिश मूवी देख रहा हूँ, पैरों की आवाज, एक बड़ा सा मॉन्स्टर पैरों तले सबको रौंद रहा है, मेरी तो हालत ही खराब हो गई, बड़ी सी परछाई, इतनी बड़ी, ऊपर से सिगार भी रहे, धुआं भी आ रहा है, 3D मूवी की तरह। तू ऐसे क्या देख रहा है, 3D मूवी कभी नहीं देखी? शिवा ही तो वो, अब यहाँ बैठ के पीता ही रहेगा या कुछ करेगा? अरे टकले, एक बार बोला ना तेरे को शिवा मर चुका है। भूत था वो, वापस आ गया। Go get me a drink. सटिया गया टकला मामा। बकबू मारिए चल। अबे तुम लोग हंसे जा रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। तूने कहा था विक्की की मौत के पीछे सारा का हाथ है, अब सारा को बचाने के लिए शिवा वाला ड्रामा कर रहा है, कितने झूठ बोलेगा अपना पाप छुपाने के लिए, बोल तेरी तो, बोल। अरे जा। डैनियल, तूने खुद देखा है? अपनी आंखों से देखा। तो फिर जा उसको उठा के ला, जिंदा या मुर्दा, वो भी 24 घंटे के अंदर। जा, ढूंढ निकालूंगा उसे। बातें मत कर, निकल मत। सैम, इसको एक चांस देना पड़ेगा। तुम इसको चांस देने की बात कर रहे हो मामा? इसको? तूने शिवा की लाश देखी थी उस दिन? क्या सबूत है तेरे पास? अगर वो जिंदा है तो हम मर गए समझो, दिमाग दौड़ा, अगर होगा तो। शिवा, तुम जिंदा हो? कैसे? अरे खड़े क्यों? आओ ना शारदा। वेलकम।
थैंक्स। चीयर्स। वो ब्रीफकेस जो पापा ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था, उसमें क्या था मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, वो उसमें तुम्हारे पिताजी की वसीयत थी, ओरिजिनल। जानते हो उसमें क्या लिखा था? यही कि तुम्हारे डैड के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी के वारिस तुम बनोगे। और इस बात को मैंने सैम और विकी से भी डिस्कस किया था। यस। मैंने उस वसीयत को उन्हें पढ़ के सुनाया। सैम, विकी, आई एम रियली सॉरी। दरअसल तुम्हारे डैड के वसीयत में लिखा है कि उनके मरने के एक महीने बाद सबको बुलाकर ये वसीयत पढ़ी जाए, लेकिन शिवा तो आया नहीं। स्ट्रेंज। सारी प्रॉपर्टी शिवा के नाम कर दी। अब उस कंपनी में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक डायरेक्टर की है, और वो भी मंथली सैलरी पर। तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक शिवा साइन ना करे। अब देखा जाए तो अब से मुझे मेरी फीस भी शिवा ही देने वाला है। विकी, विकी। विकी कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, लेकिन सैम बहुत शातिर है। जानते हो उसने क्या पूछा? By any chances will में कोई loopholes या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया उसे, तो वो भी नाराज होकर चला गया। जहाज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें अगर एक छोटा सा छेद हो जाए ना, तो कोई उसे बचा नहीं सकता। इस केस में अगर तुम्हारी मौत नेचुरली हो जाती तो प्रॉपर्टी दोनों भाइयों को मिल जाती, और इस बात को साबित करने के लिए कोर्ट के सामने तुम्हारी नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट ही काफी होता। सारा को इसीलिए जिंदा रखा, उसे तो बस इतना कहना था कि पानी में गिरने की वजह से तुम्हारी मौत हो गई। एक एक्सीडेंटल केस बनाकर मुंबई पुलिस ने तुम्हारी मौत की रिपोर्ट को वेरीफाई कर दिया, और इसी वेरीफाइड रिपोर्ट के जरिए सैम और विकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। और ओरिजिनल वसीयत कहां पर है? वो मुझे चाहिए। ओरिजिनल कॉपी यहीं रखी है। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुमसे गद्दारी करूंगा क्या? अभी लेकर आता हूं शिवा। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम यहीं पर बैठो, मैं लेकर आता हूं। सैम और विकी अब कामयाब नहीं हो पाएंगे, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। ऐसे वक्त में भी तुम्हारे काम नहीं आया तो मेरा क्या फायदा? सैम, वो शिवा अब भी जिंदा है, वो वसीयत लेने मेरे घर आया है। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, वरना मैं कहाँ है वो? मेरे घर पर है। रोक उसे। रोका है, तुम आ जाओ, वो बचना नहीं चाहिए। ठीक है, आ रहा हूं। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू भी दगाबाज ही निकला। अब तू जिंदा नहीं जा पाएगा। बेवकूफ, मुझे गोली चलाने पे मजबूर मत कर। अगर मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया तो कई बेगुनाहों की जान जा सकती है। अब बता मुझे, वसीयत कहाँ है? कहाँ है वसीयत? मेरी बात तो सुन। प्लीज इन्हें छोड़ दो। प्लीज प्लीज प्लीज। डेविड, विस्की। Hey, कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? पता जल्दी। पहचाना? मैंने वही साइकिल से गाड़ी ठोक दी थी। रेड चर्च। दे ताली। थोड़ा आइस। बताता क्यों नहीं? आप बैठिए ना सर, ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप पे उधारी बाकी है। सूट सूट करिए टोपी। मैं तंग आ गया हूँ जिंदगी से, और ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। अरे क्या हुआ, मेरे बाल नहीं है तुम्हारे हैं, बस यही फर्क है। ऐसी बात नहीं है सर, उस स्पाइक बाल वाले ने ना जिंदगी चौपट कर रखी है। कौन स्पाइक बाल वाला? सब कुछ हाथ से किया, मुझे लगा वो मर चुका है मामा। ए, कितने पैसे लिए तूने उससे? पता मुझे तूने कितने पैसे लिए? खून चूसता रहता है सर, पता है आपको? उसने ली
और शेट्टी को बिल्कुल वो मच्छर होता है ना, मच्छर की तरह उड़ा दिया था। किसको? शेट्टी को। आप तो ज्ञानी बाबा हो। पता है तुझे क्या करना था? पहले उस शिवा को मौत के घाट उतार देता, फिर मुझे फोन करता, समझा? उसके बारे में और कुछ बताओ, स्टोरी इंटरेस्टिंग है। और क्या बताऊं सर उसके बारे में? सांप होता है ना तो ऐसे कुंडली मार के बैठा है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद की, लेकिन वो भी नहीं बच पाया सर। वो कैसे? उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई सौतेले भाई को बचाने के लिए। क्या बकवास कर रहा है तू? बात ये, उसके दो सौतेले भाई है जिन्होंने उसे अपना माना ही नहीं और दौलत के चक्कर में उसे लुढ़का दिया, और उन्हें लगा कि वो मर गया है, लेकिन जिसे मौत भी नहीं मार पाए उसे कोई कैसे मार सकता है? वो जिंदा है सर, अब आप देखना। अच्छा। अब वो उन दोनों को नहीं बचेंगे सर, कुत्ते की मौत मरेंगे। आप लिख के ले लो, मैं आपको सलाह देता हूँ। वो जिंदा है ना? यही है ना वो? नहीं नहीं, पेरिस में है ना? मैं बिल्कुल नहीं। नाम बता। उसका नाम भी बहुत भारी है, शिवा। वकील, तूने मुझसे वादा किया था कि उस वसीयत को तू जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेगा, और तूने उसे दे दिया, उसे दे दिया। इसके बीवी बच्चों को मार देते हैं। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो सैम। तू वो वैसी लायक है। वो अकेला उन सबका सामना कर रहा है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ मिरासी है, सुमन, सारा। ले और भी ले। सैम उन्हें जाने दे, उसने मुझे पागल बना रखा है सैम। अब इतनी तारीफ कर दी है उसकी तो मैं भी चाहता हूँ कि मिल लो। नहीं नहीं नहीं, आ सैम। मैं देख रहे हो, ये मेरे घर का है, अभी तो अंधेरे में भी। अरे मैं छोड़ूंगा तुम्हें घर पे, आओ आइए। बाय डार्लिंग, सी यू, इट्स ओके, आई लव यू। लड़की, चल चल चल।